Hello, my dear student. Today we will learn another chapter of English grammar, class 5, and chapter 26, interjections. What are these words interjections are? Interjections क्या होते हैं? ये हम पढ़ेंगे, इसकी definition पढ़ेंगे और हम कुछ examples से इसको समझेंगे. Okay? So when we are meeting to our friends, to our relatives, to some other person. Or we are having something not good or very good, then what we feel, जो हम feel करते हैं, कुछ भी अगर हम देखते हैं suddenly या हम किसी से अचानक मिलते हैं, तो जो हम feel करते हैं, उसको हम जिन words में express करते हैं, those words are interjections. Okay? Like if we are meeting somebody, hi, where were you from a long time? इतने दिनों से आप कहाँ थे? ओके अनदर कुछ और वर्ड्स बोल सकते हैं. अगर किसी ने कुछ प्राइज मिला है किसी को तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं. यू कैन से कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू वन द प्राइज. अनदर वन यू कैन से आप किसी को शाबाशी देने के लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं. या सेकेंड थिंग, अगर किसी को कोई सैड है, कुछ प्रॉब्लम है किसी के साथ और आपने उसको देखा, यू आर फीलिंग सैड, तो आप सी सैड फील कर रहे हैं, तो उस समय जो वर्ड्स आप बोलते हैं दैट आर इंटरजेक्शंस. वो शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स, बहुत बड़े वर्ड नहीं होते, वो शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स होते हैं और वन वर्ड में ही कई बार हम एक शब्द ही भूल के उस पूरे सेंटेंस का मीनिंग बता देते हैं और बस वेल डन. इफ यू हैव डन वेरी गुड इन योर एग्जामिनेशन एंड आई सेड वेल डन, देन नो नीड टू कंप्लीट द होल सेंटेंस. बस जो मेरी अचानक से जो फीलिंग आई हुई, द सडन फीलिंग विच आई एक्सप्रेस, जो सडन फीलिंग थी जिसको मैंने एक्सप्रेस किया, उसको हम उन वर्ड्स को बोलते हैं, जिन वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं उन वर्ड्स को बोलते हैं इंटरजेक्शंस. वर्ड्स दैट एडेड टू अ सेंटेंस टू कन्वे इमोशंस आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस. ऐसे वर्ड जो आपके इमोशंस को कन्वे करने का काम करते हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर थिंग को देख के या किसी पर्सन से मिलके आप जो फील कर रहे हो उसको बताने का काम करते हैं, उन वर्ड्स को हम कहते हैं इंटरजेक्शंस. ओके, इफ यू आर वॉचिंग अ सीन इन अ मूवी एंड और यू आर वॉचिंग अ सीनरी आउटसाइड योर होम, इज देयर एनी सीनरी, अगर कोई सीनरी आप देखते हैं तो आप बोलते हैं कि व्हाट अ वंडरफुल सीनरी, तो आप ये भी कहते हैं कि कितनी अच्छी सीनरी है ये, आप इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं. कोई भी आपने डर्टी थिंग्स देखी, व्हाट इज दैट, क्या था ये, इतना गंदा, कितना डिस्गस्टिंग, व्हाट वाज दैट, तो ये चीजें जब आप इन शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स को बोलते हो तो उन वो वर्ड्स होते हैं आपके इंटरजेक्शंस. ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. वेल डन, यू हैव स्कोर वेल इन योर एग्जामिनेशन, अच्छी बात है, आपने अपने एग्जामिनेशन में क्या किया, बहुत अच्छा स्कोर किया. Congratulations! You got first prize. आपको first prize मिला, हम आपको congratulate करते हैं. Oh dear, I'm sorry to hear. Okay? मैं ये सुनकर कैसा feel कर रहा हूँ? Sorry feel कर रहा हूँ. जब आप sad होते हैं तो आप बहुत भारी मन से बोलते हैं कोई words. Oh dear, I am sorry to hear that. किसी का accident हो गया है और कोई person किसी की death हो गई है और आपको जब पता चलता है तो आप अपने फ्रेंड के घर या रिलेटिव के घर जब आप जाते हैं, यू कैन से ओह डियर आई एम सॉरी टू हियर दैट, मैं ये सुनकर बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा. ओके, सो और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे विद द एग्जांपल्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट क्लियरली विद द एग्जांपल्स. आफ्टर दिस फर्स्टली यू हैव टू नोट दिस डेफिनेशन एंड एग्जांपल, देन वी स्टार्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स. ओके, नोट करिए इनको, हमारी जो फीलिंग्स होती है वो कैसी कैसी होती है उन सबको हम एक्सप्लेन करेंगे. तो फर्स्ट जो आपकी फीलिंग है दैट इज हैप्पीनेस. ओके, आप जब आप हैप्पी होते हैं तो आप किन वर्ड्स का यूज करते हो? इफी वी वर गोइंग टू द कॉन्सर्ट, हम कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, बहुत हैप्पी है एंड वी आर एक्सप्रेसिंग अवर हैप्पीनेस, इफी वी आर गोइंग टू द कॉन्सर्ट. अनदर वन, हुरे आई हैव वन द फर्स्ट प्राइज, अगर आपको कोई प्राइज मिलता है तो आप बस उस प्राइज को लेके एंड घर जब जा रहे होते हैं, देन व्हाट इज योर फीलिंग व्हेन यू आर गोइंग टू मीट योर पेरेंट्स, हुरे आई गॉट द फर्स्ट प्राइज, आई वन द फर्स्ट प्राइज, हुरे आवर टीम हैज वन. अनदर वन, ब्रावो, व्हेन समबडी वन द मैच, समबडी एल्स गेट समथिंग, और जब किसी और को कुछ मिलता है तब आप बोलते हो ब्रावो यू वन द मैच. सम द वर्ड हिंदी में वर्ड बोलते हैं तो
summers. You won the match. Another one, wow, the movie was marvelous. Whenever you are coming out from the cinema hall or a theater or aapne movie dekhi na, movie was very very good aur aap usko dekh ke bahut happy ho gaye the, ho jaate ho, to aap kehte ho wow, the movie was marvelous. This feeling was when I have gone to watch a movie KGF chapter 2 and when I came out of the theater I said wow, the movie was marvelous. Movie bahut achhi thi. Another sadness in pain. Okay, जब आप सैड होते हो, परेशान होते हो या दुखी होते हो तो आप इन वर्ड्स को बोलते हो, ओ आई नेवर न्यू दैट, मुझे नहीं पता था, मैं आपसे कभी नहीं इस बारे में पूछता क्योंकि ये बातें आपको हर्ट करती हैं, ओ आई नेवर न्यू दैट, अलास माय डील वाज कैंसिल्ड, योर फादर हैज गॉन फॉर अ बिजनेस मीटिंग, और डील होने वाली थी किसी बिजनेस की और वहाँ पर क्या होता है अचानक से कुछ सर्कमस्टेंसेस होती है या जो प्रोजेक्ट जो आपका जो बिजनेस प्लान है वो दूसरे पर्सन को समझ नहीं आता जो उसमें इन्वेस्ट करने वाला होता है, वो क्या करता है तो उस डील को कैंसिल कर देता है. योर पेरेंट्स और अ बिजनेस मैन इज प्रिपेयर फॉर दैट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और उसके बाद जो डील होती है वो कैंसिल हो जाती है डर से. माय डील वाज कैंसिल्ड. अनदर आई लॉस्ट माय पर्स. आपका पर्स खो गया कहीं, आपके पैसे थे उसमें और वो खो जाते हैं. यू आर स्टैंडिंग इन द मार्केट वेयर हैंडेड, हाथों में कुछ नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हो, मार्केट में खड़े हो, आई लॉस्ट. या फिर मार्केट में बहुत सारी शॉपिंग कर ली और शॉपिंग करते करते आपको ध्यान नहीं रहा कि आपका पर्स कहाँ है और पर्स आपका खो जाता है, तब आप क्या करेंगे, आई लॉस्ट माय पर्स. अनदर आउच, आई हर्ट माय एंकल. आप चल रहे हो और आपका ध्यान नहीं है रोड पर और अचानक से क्या होता है कि आपका पैर किसी स्टोन में लगता है और आपको हर्ट हो जाता है. देन यू से अलास आई हर्ट माय एंकल, मेरे एंकल में हर्ट हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया और उसमें आप सैड. सो यहाँ पर आपने टू फीलिंग्स के बारे में समझा, वन इज हैप्पीनेस, अनदर इज सैडनेस. अभी और भी कुछ फीलिंग्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, तब तक ये आप नोट करिए एंड देन वी स्टार्ट द अदर फीलिंग्स. तो आपने इंटेलिजेंस के टू फीलिंग्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, फीलिंग हैप्पीनेस एंड सैडनेस. ओके, अब उसी से आगे कुछ और फीलिंग्स हैं जो वर्ड्स के साथ डिफरेंट इंटेलिजेंस वर्ड्स के साथ एक्सप्रेस करते हैं. ओके, अच्छा उससे पहले मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दे दिए, उन सेंटेंसेस में आपने क्या नोट किया, जब हम इंटेलिजेंस वर्ड्स लिखते हैं उनको फॉलो करते हैं ऑलवेज विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो कि आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी सीखा होगा कि आप जब इंटरजेक्शन वर्ड लिखते हो आफ्टर दैट जस्ट आफ्टर उस वर्ड के तुरंत बाद आपको क्या लगाना होता है, एक्सक्लेमेशन का साइन लगाना होता है. अंडरस्टैंड? सो द अनदर फीलिंग इज ग्रीफ एंड पिटी. ग्रीफ एंड पिटी, ओके, अलास आई ग्रीव. आपने सेम वर्ड अलास सैडनेस में भी यूज किया था. ग्रीफ और पिटी और सैडनेस में बहुत लिटिल डिफरेंस है, लिटिल डिफरेंस इज देयर, द थिन लाइन, जैसे आप कहते हो कि एक थिन लाइन है, मतलब अलास आई रुइन, मैं क्या हुआ, बर्बाद हो गया, आह अलास आई रुइन, मैं बर्बाद हो गया. ओह डियर आई एम सॉरी टू हियर, ओ डियर आई एम सॉरी टू हियर. ओके, जब आप सैड फील कर रहे हो किसी के लिए तो आप इस वर्ड को कहते हो, ओ डियर आई एम सॉरी टू हियर दैट यू मिस योर grandparent or you missed your grandfather, grandmother, अगर कोई फायर हो जाता है तो आप इस वर्ड को यूज करते हो, आप अपने फ्रेंड से मिलने जाते हो, then you say, oh dear, I'm sorry to hear. Another word, surprise. Wow, surprise. Okay, for the surprise, your mother has given you a packet. Okay, in the packet, what is there in the packet? You don't know. Okay, whenever you open the packet and you got the गिफ्ट, जो गिफ्ट आपको चाहिए था वो गिफ्ट या जो थिंग्स आपको चाहिए थे वो थिंग्स उस पैकेट में अगर निकल आती है तो हम क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं. या कोई अचानक से हमारे घर कोई ऐसा गेस्ट आ जाता है या हमारा एक कोई फ्रेंड अचानक से मिल जाता है, हम उसे देख के क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं. तो हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, लाइक आपका भाई है जो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है और उसको क्या मिल जाता है, फर्स्ट डिविजन उसका आ जाता है, तो आप क्या कहते हो, हे आ माई ब्रदर गॉट फर्स्ट डिविजन, आह माई ब्रदर गॉट फर्स्ट डिविजन.
चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. ग्रीव एंड पिटी, जब आप सैड होते हैं तो आप क्या वर्ड करते हैं यूज? अलास, आई रिग्रेट, मैं बर्बाद हो गया, जो कुछ भी मेरे पास था सब कुछ खो गया और मैं क्या हो गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ. तो आप इस अलास वर्ड का यूज करते हैं. ओडियर, ओडियर, आई एम सॉरी टू हियर दैट, मैंने ये नहीं सुना था, मुझे नहीं पता था, ये सुनकर मुझे कैसा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है. सरप्राइज, ओके, जब आप सरप्राइज होते हैं किसी चीज़ को देखकर, ओके, किसी पर्सन को देखकर, जैसे आपको नहीं पता था कि आपका ब्रदर इतना अच्छा पढ़ने में, उसके अच्छे मार्क आएंगे और अचानक से उसका जब आप रिजल्ट देखते हैं दैन इट इज वेरी गुड, तो आप क्या कहते हैं? हाँ, माय ब्रदर गॉट फर्स्ट डिविजन, मेरा भाई फर्स्ट डिविजन लेके आया. अनदर, हाय, हाउ आर यू डूइंग, हाय, हाउ आर यू डूइंग, जैसे ही आप अपने फ्रेंड को एक लॉन्ग डिस्टेंस से देखते हो बहुत लंबे टाइम के बाद, तो आप उसको आप सरप्राइज हो जाते हो, यू सडनली स्टार्ट सेइंग दिस वर्ड, हाय, हाउ आर यू डूइंग, कैसे हैं आप. अनदर, ओह, व्हाट अप, व्हाट्स रॉन्ग विद इट, ओके. किसी बच्चे को टीचर डेली वर्क देती है, डेली वर्क देती है, और डेली डेली वो क्या करता है, वर्क को फर्स्ट क्वेश्चन को सेकंड पेज पर लिख देगा, सेकंड क्वेश्चन को फर्स्ट पेज पर लिख देगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है. देन सडनली इफ शी चेक द नोटबुक एंड शी वाज सरप्राइज, और सरप्राइज में वो कहते हैं, ओह, व्हाट्स रॉन्ग विद इट, क्या गलत हो रहा है इसके साथ, ये क्यों सही से नहीं कर पा रहा. एंड शी इज यूजिंग ऑल दीज वर्ड्स, आप ही कहते हो, ओ, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस बॉय, इस लड़की के साथ क्या गलत हो रहा है, ये क्यों सही से नहीं कर रहा है, हेजिटेट, ओके. अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जब जब हम हेजिटेट होते हैं तब हम टीचर इज आस्किंग यू क्वेश्चंस, ओके. आपके टीचर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आपके आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, कि उसका आंसर क्या है, और कई बार आपको पता होता है फिर भी आप हेजिटेट होते हो, आप आंसर नहीं कर पाते हो, तो आप इस तरह के वर्ड यूज करते हो, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, एंड गैप करके फिर आप अपने वर्ड्स को बोलते हो, तो वो वर्ड्स होते हैं हेजिटेशन वर्ड, ओके. लाइक हम, आई एम नॉट श्योर, इफ आई एम आस्किंग यू हैव यू कंप्लीटेड योर ऑल वर्कशीट, देन यू से हम, आई एम नॉट श्योर, कि मैंने पूरा वर्क कंप्लीट किया या नहीं किया, क्योंकि आपको सामने से अगर कोई पर्सन पूछता है और आप उससे हेजिटेट हो रहे हैं, आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, तो आप इन वर्ड्स का यूज करते हैं, हम, ओ, ओम, ये सारे वर्ड्स हैं जिनका यूज होते हैं. नेक्स्ट है आपका कॉलिंग अटेंशन, ओके. कोई रास्ते में जा रहा है और आपको जाकर उससे क्या करना है, आप उसको बुलाना है आपको, तो आप सडनली, जैसे कि आपको कोई पर्सन दिखता है, सडनली जो वर्ड्स बोलते हो वो होते हैं कॉलिंग अटेंशन वाले, हे, हाय, हे, वेट फॉर मी, हे, वेट फॉर मी, मेरे लिए वेट करो, हे, वेट फॉर मी, मेरे लिए वेट करो, या मेरे लिए रुक जाओ. किसी को आपको बुलाना है तो आप इन वर्ड्स का यूज करते हो. अनदर वर्ड है आपका, नेक्स्ट है आपका डिस्कस, ओके. कुछ आपको कोई ऐसा काम करने देता है तो आप इन वर्ड्स का यूज करते हैं. डिस्कस्टिंग वर्ड है, लाइक योर मदर सेड टू यू, अरेंज ऑल द गार्बेज एंड पुट इट इन द डस्टबिन. आपने देखा तो आसपास जो डस्टबिन है, डस्टबिन के आसपास बहुत सारा कचरा पड़ा है, बहुत सारा गार्बेज पड़ा है, और कुछ भी अरेंज नहीं है. ये नहीं है कि सारा जो गार्बेज है वो डस्टबिन में भरा हुआ है, ऐसा नहीं है. डस्टबिन के बाहर भी फ्लोर है, और योर मदर इज सेइंग कि अरेंज, टेक ऑल द गार्बेज, मीन्स अरेंज ऑल द गार्बेज एंड गिव इट टू द स्वीपर, जाके इस स्वीपर को दे दो सारा गार्बेज अरेंज करके. देन यू आर सेइंग, ओह, I have to arrange this. I have to collect all this garbage. या बोलो, oh, she gave me some stuff out of little bottle. छोटी सी बॉटल से आपने आपने देखा कि किसी के पास एक छोटी सी बॉटल रखी हुई. और लाइक whenever we are going to the doctors, which those who are not proper doctor means proper clinic में नहीं बैठे, ऐसे road side पे बैठ जाते हैं, वो कहते हैं आ जाओ, come, I will give you the medicine of these things. इन चीज़ों के मेरे पास मेडिसिन है, आ जाओ. लाइक आप जाते हो उनसे और मेडिसिन लेते हो, मेडिसिन, और आप कई बार देखोगे उनके पास ऐसे बॉटल्स, छोटे छोटे बॉटल्स होते हैं, उन बॉटल्स में से कुछ आप निकाल करते हैं. इट इज बहुत डर्टी है ये, और तो देन व्हाट विल यू से, ओह, शी गिव मी सम स्टफ आउट ऑफ लिटिल बॉटल, छोटी सी बॉटल थी उसमें से उसने कुछ ऐसा स्टफ निकाल कर दिया जो मुझे बहुत ज़्यादा स्मेलिंग, बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा था, ऐसा ऐसा उसने मुझे निकाल कर. नेक्स्ट है, यप, आई हेट फीलिंग लाइक दिस, व्हेनेवर यू आर पासिंग थ्रू द डर्टी स्ट्रीट्स,
गंदी और जब स्ट्रीट से किसी डर्टी स्ट्रीट से जहाँ पे बहुत सारा कचरा पड़ा है या बहुत सारा मड्डी हो रहा है, रेन सीजन में आप वहाँ से जाते हैं, यू से आई हेट फीलिंग लाइक दिस, मुझे ऐसी फीलिंग करना बहुत बुरा लगता है। सो स्टूडेंट्स, यू ऑल हैव टू नोट दिस फ्रॉम द बोर्ड, बोर्ड से आप ये सब नोट कर लीजिए एंड सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर ए एंड बी इन योर बुक। अब बुक में अपनी एक्सरसाइज नंबर ए एंड बी सॉल्व कर लीजिए। Understand? Thank you. Bye.